Hello students, it's your English worksheet number 29 scheduled to be done on 20 January 2021. Beta, yes, for class 7. Dear students, we have already learned that adverb qualifies verb, an adjective or another adverb. तो बेटा यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब क्या करता है. एडवर्ब क्वालिफाई करता है. क्वालिफाई को आप कह सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी अनदर एडवर्ब के बारे में. देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. हमें ये सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है. द कार मूव्ड स्लोली. तो क्या आंसर मिल रहा है हमें? हाउ डिड द कार मूव्ड. कार कैसे मूव करती है? जहाँ हमें आंसर मिलता है हाउ का, वहाँ पे होता है मैनर. स्लोली क्या है? स्लोली एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है. आज हम एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे. तो ये है मैनर, कि काम किस तरह से हुआ. नेक्स्ट इज आई सॉ अ नोटबुक देयर. मैंने एक नोटबुक देखी वहाँ पर. वेयर कहाँ पर देखी? वेयर डिड आई सी अ नोटबुक. यहाँ पर देयर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है. कहाँ पर देखी? तो जहाँ किसी जगह के बारे में जब आंसर है तो बेटा वो प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और देयर वर्ड है जो वहाँ पर हमें ये एडवर्ब है उसको रेड से हाईलाइट किया गया है, और ये जो ब्राउन से दिखाया जा रहा है ये एडवर्ब का टाइप है. शी वॉन द रेस यस्टरडे. कब? वेन डिड शी विन द रेस? वो कब जीती वो रेस? कब का आंसर, जब वेन का आंसर मिलता है यस्टरडे, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम. दे गो आउट फॉर लंच वीकली. फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज़ बार बार कब हो रही है? हाउ ऑफन, वो रिपीट कब हो रही है? रिपीटिशंस है, कब ऐसा रिपीट होता है? हाउ ऑफन डू दे गो फॉर लंच, वो कितना ज़्यादा कब जाते हैं, कब वो फिर से जाएंगे, कब उनका क्या रूटीन है? जो रूटीन की बात आएगी वहाँ पर अब वीकली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. तो एक्सट्रीमली कितनी, बहुत सुंदर है, तो डिग्री है, सुंदर है, उससे सुंदर है, बहुत सुंदर है. तो यहाँ कैसी है, यहाँ पे उसकी लेवल को बताया जा रहा है. तो जब लेवल को बताया जा रहा है, हाउ ब्यूटिफुल इज योर ड्रेस, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया. और उसका लेवल जो डिग्री है, डिग्री बताती है ना, जैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी आपने पढ़ा, तो इस तरह से जब अब एडवर्ब की डिग्री है तो उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है. तो बेटा दस वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर, द प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और डिग्री ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. वो हमें इन सब के बारे में बताता है एडवर्ब. और एडवर्ब के काइंड्स क्या हैं, देखिए कितने सुंदर तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताए गए हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, जो हमें आंसर देता है. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या आंसर देता है, कि काम कैसे हो रहा है, किस तरह से वो काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वेयर का आंसर मिल रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वेन का आंसर मिलता है, कौन सा समय, कब, काम कैसे हो रहा है, हाउ का है, वेयर कौन सी जगह पर हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. लेवल बताता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है. यहाँ पर बेटा एक्सटेंड बताई जाती है कि किस लेवल का है, यहाँ लेवल पता चलता है उस वर्ब का, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है. अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो रिपीटिशन है, वो फिर दोबारा कब होता है, तो वो काम कब दोबारा होता है, हाउ ऑफन, उसका आंसर जब हमें जिससे मिलता है, जिस क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में, तो वहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. तो बेटा इस तरह से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द काइंड ऑफ एडवर्ब इन ईच सेंटेंस. तो हमें क्या करना है, ये क्लू बॉक्स हमें दिया गया है, इस बॉक्स में से लेकर हमें यहाँ पर ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, और ये भी बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है. तो देखिए, ही ईट्स हिज लंच कामली, बड़े आराम से वो अपना लंच करता है, अपना भोजन खाता है, दोपहर का जो खाना है, तो कैसे खाता है, हाउ का आंसर मिल रहा है, बड़े आराम से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया. देन रमेश टेक्स कॉफ़ी, रमेश कॉफ़ी पीता है, ओकेजनली, कभी कभी,
ओकेजन्स पे, कभी कोई खास मौका होता है उस पर वो पीता है। तो यहाँ पर तो बेटा आ जाएगा ओकेजनली, यहाँ पे आप ओकेजनली डाल देंगे, और ओकेजनली मतलब कब वो चीज़ रिपीट होती है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कि वो काम कब दोबारा होता है, रिपीट कब होता है। द वॉटर ऑफ रिवर वॉज राइजिंग, जो रिवर का वाटर है वो राइज कर रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तो यहाँ ग्रेजुअली आ जाएगा। और वाटर जो है धीरे धीरे जब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ग्रेजुअली कर रहा है। तो ग्रेजुअली में बेटा आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास आंसर्स हैं हम इसमें से कौन सा कर सकते हैं, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डिग्री है और फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर डिग्री है, बहुत तेज़ी से नहीं कर रहा है, बहुत तेज़ी से पानी नहीं भर रहा है, पानी जो है वो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीरे, एक्सटेंड जो है उसका बहुत धीरे धीरे कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर तो देखिए, रमेश कॉफ़ी लेता है, ओकेजनली लेता है, यहाँ पर आ गया था फ्रिक्वेंस, यहाँ पर हमारा वो कब लेता है, फ्रिक्वेंसी आ गया था, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब वाटर जो है वो वाटर कैसे, ग्रेजुअली, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ, जी एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत धीरे धीरे पानी जो है कितना बढ़ रहा है धीरे धीरे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर सो वी लिसन टू इट केयरफुली, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन था तो हमने बड़े ध्यान से सुना। तो लेसन को कैसे सुना, केयरफुली, और केयरफुली सुना तो कैसा हो गया बेटा, मैनर, कैसे सुना है हमने, बहुत ध्यान से सुना है, एडवर्ब ऑफ मैनर। She will dash begin to dance. She will soon begin to dance. तो यहाँ आ जाएगा she will soon begin to dance. अब वो soon क्या है, time बता रहा है कि कब, अब बस जल्द ही वो कुछ समय में ही dance करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, time, adverb of time, और ये क्या है soon, यहाँ सब के आगे आप word use करेंगे, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of time. अब ये देखिए, आई कांट फाइंड हिम, आई कांट फाइंड हिम में यहाँ पे हमें बेटा देखिए फाइव ऑप्शंस थे, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस 6 हैं। तो यहाँ पर हम अपने आप, हमें ओपन दे दिया गया, एक रह गया है शायद वहाँ पर। तो देखिए यहाँ नाउ, देयर, हेयर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेयर या देयर में से, आई कांट फाइंड हिम, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो हेयर यहाँ पर या वहाँ पर, अगर मैंने कहा कि नहीं ढूंढ पा रहा हूँ यहाँ पर या वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि मैंने जगह के बारे में बोला। लेकिन अगर यहाँ पर नाउ होता तो समय की बात हो जाती, तो अगर नाउ यूज़ होगा तो समय की बात है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। तो जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा आप उस ऑप्शन को वहाँ यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको वहाँ पे, यस, उसके मीनिंग को समझेंगे, अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है, जो वहाँ पर उसका आंसर, वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उस बेस पे आप एडवर्ब ऑफ मैनर है, फ्रिक्वेंसी है, टाइम है, प्लेस है, डिग्री है, वो आप उसका लिख सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, यू अंडरस्टूड द वर्कशीट प्रॉपरली। नाउ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है बेटा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द योर हैंड वॉशिंग एज वेल एज, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, साथ ही साथ आप हमेशा ध्यान रखें, स्प्रेड द अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, सबको जागरूक बनाना है, खुद भी जागरूक बनकर रहना है, ताकि COVID-19 को हम आगे स्प्रेड होने से रोक सकें। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई होप यू विल फॉलो द गाइडलाइंस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बेटा हेल्दी बने रहना है। और आप छोटे छोटे बच्चे, अच्छे से खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, फ्रूट्स सैलड्स अच्छे से खाइए, धूप जब निकलती है तो धूप में भी बैठिए ताकि आपको विटामिन डी मिले, अच्छे से पढ़ाई करिए, लिख लिख कर पढ़ाई करिए, अपने कंटेंट को जो आपको भेजा जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ग्रामर बुक दी गई है जो स्कूल से,
वो ग्रामर बुक को भी आपको इसके बेस पे कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है वीडियो के मेथड से, आपको अपनी ग्रामर बुक भी कंप्लीट करनी है। और बेटा टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या वर्कशीट अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।